हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल के बारे में। आपके सामने लिखा हुआ है, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा तथा 60 वोल्ट पर 3 एम्पियर धारा बहती है, गणना करके बताइए कि परिपथ ओमीय है या अनओमीय। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, प्रतिरोध निकाल लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, वी बराबर आई आर। पढ़ा नहीं पढ़ा, तो यहाँ से आर का मान निकाल लोगे, आर बराबर हो जाएगा आपका वी अपान आई। ठीक है, यहाँ से निकालो वी अपान आई। तो पहले दिया गया है 50 वोल्ट और 2 एम्पियर, तो लिखेंगे बराबर 50 वोल्ट है और 2 एम्पियर धारा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 ओम। चलिए इसको आर वन मान लेते हैं, ठीक है, इसको वी वन आई वन मान लीजिएगा। फिर आर टू निकाल लेंगे तो हो जाएगा वी टू अपन आई टू। दूसरा वोल्ट कितना दिया गया है, 60 वोल्ट, लिखेंगे 60 बटे धारा कितनी है, 3 एम्पियर, तो 3 2 6 हो जाएगा आपका 20 ओम। आपने जब आर वन का मान निकाला तो आया 25 ओम, आर टू का मान निकाला तो आया 20 ओम। क्लियर। अब देखिए, अब आपको बताना है कि परिपथ ओमीय है या अनओमीय है। अब लिखेंगे लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध का मान, चूंकि प्रतिरोध का मान समान नहीं है, अतः परिपथ, जब प्रतिरोध का मान समान हो तो परिपथ ओमीय होंगे, और जब प्रतिरोध का मान समान नहीं है तो परिपथ अनओमीय होंगे। कैसा होगा, अनओमीय होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके एग्जाम में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग और बहुत से न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको अलग अलग टाइप के पढ़ाए गए उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है।